नमस्कार मित्रों और दोस्तों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं, उनके संकेत हमें पहले से मिल जाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हमें संकेतों को समझना आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब आप अमीर बनने वाले होते हैं, धनवान बनने वाले होते हैं, तब आपको उसके बारे में कुछ संकेत मिलने लगते हैं, बस हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। और यदि आप उन संकेतों को समझ लेते हैं तो आपको एक हौसला मिल जाता है कि आगे आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि धनवान बनने से पहले, अमीर बनने से पहले सपने में या दूसरे ऐसे संकेत कौन से होते हैं जो आपको दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको सपने में अमीर बनने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें विशेष रूप से दिखाई देने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दी थी। जैसे बात करें हम सबसे पहले तो सपने में यदि आपको भगवान के, किसी भगवान के दर्शन होते हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी जी के या गणेश जी के या फिर विष्णु जी के आपको दर्शन होते हैं सपने के अंदर, तो यह सीधा साधा अमीर बनने का, आगे आने वाले समय में धनवान बनने का संकेत होता है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में सही कर्म कर रहे होते हैं, सही चल रहे होते हैं, सही दिशा में मेहनत या कार्य कर रहे होते हैं, तब ईश्वर अपनी कृपा आप पर दिखाता है। दोस्तों, जब आप सही तरह से अपने कर्म पथ पे चल रहे होते हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं, तब आपको ईश्वर अपनी कृपा दिखाते हैं और इसी वजह से आपको ईश्वर का सपना आता है। और ऐसा सपना बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, और जिनको दिखाई देता है आगे आने वाले भविष्य में उनके अमीर बनने के योग बनते हैं, उनकी मेहनत का फल मिलने के योग बनते हैं, उनकी मनोकामना या इच्छा पूर्ति होने के योग बनते हैं। तो जीवन में यदि आप सुख शांति चाहते हैं या धन दौलत चाहते हैं, तो भगवान का सपने में आना एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत, अच्छा शगुन माना जाता है। दोस्तों, यदि आधी रात के बाद आपको सपना आए और आपको उस सपने के अंदर माता लक्ष्मी के दर्शन हो, या आपको ऐसा दिखाई दे कि पर्वतों से झरना नीचे गिर रहा है और यदि आप झरने का पानी अपने आप को पीते हुए देखते हैं, तो ऐसे संकेत भी अमीर बनने के योग बनाते हैं। आगे आने वाले समय में आप धनवान बनने वाले हैं, ऐसे सपने का ये मतलब होता है। सपने में पवित्र नदी को देखना, पवित्र तीर्थ स्थल को देखना या फिर मंदिर के दर्शन होना भी आगे आने वाले जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि और धन दिलवाते हैं। तो सपने में घोड़े भागते हुए देखना, खासकर सफ़ेद घोड़े या सफ़ेद गाय को देखना भी आगे आने वाले समय में आपको सफलता और धन प्राप्ति करवाने का योग बनाते हैं। यदि आधी रात के बाद आने वाले सपने में आपको खेत खलियान दिखाई देते हैं, बाग बगीचे दिखाई देते हैं, सुंदर लग रहे हैं आपको सपने के अंदर, इसके अलावा आपको वृक्ष दिखाई देते हैं जो कि फलों से लदे हुए हों, तो ऐसा सपना देखना भी आगे आने वाले जीवन में धन प्राप्ति का संकेत आपको देता है। आधी रात के बाद यदि सपने में या वास्तव में आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, तो आगे आने वाले जीवन में मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जिसके चलते आपको धन लाभ होगा, आप अमीर बनेंगे। यदि आप शिवलिंग पर बैठे हुए या फिर ऐसे ही अकेले बैठे हुए सुनहरे या गोल्डन सांप को देखते हैं, तो आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन प्राप्ति होने वाली है, यह इस बात का संकेत होता है। यदि आधी रात के बाद आपको सपने के अंदर गेहूं या अनाज दिखाई देने लगे, तो ऐसा सपना आना भी आगे आने वाले जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाता है। सपने में अपने आप को किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हुए देखना और खुश देखना, यह भी आगे आने वाले जीवन में आपको सफलता और धन प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, आधी रात के बाद यदि आपको ऐसे सपने दिखाई दें, तो यह मानकर चलिए कि आगे आने वाले जीवन में आपको धन प्राप्ति होने वाली है, आप धनवान बनने वाले हैं। हर बार की तरह हम यही कहेंगे, अपने इष्ट को हमेशा याद रखें, रोजाना
पूजा अर्चना करें अपने भगवान की और अपने मंगल की कामना मांगें। ऐसा करने से आपको फल जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको आगे आने वाले समय में अच्छे ही परिणाम साबित। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्म करने से ही अच्छा परिणाम मिलता है, तो फल की चिंता ना करते हुए आप अपने कर्म करते चलें, सही दिशा में बढ़ते चलें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी सफलता के साथ होने लगेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।